हरियाणा विधानसभा चुनावों का इंतजार थोड़ा रह गया है और प्रत्येक राजनीतिक दल हरियाणा में अपनी जगह बनाए रखने के लिए अभी से सक्रिय हो चुके हैं, किंतु लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। फिर भी दूसरे राजनीतिक दलों के प्रयास जारी हैं। बीते दिन कुरुक्षेत्र में जननायक जनता पार्टी के सुप्रीमो दुष्यंत चौटाला ने पहुंचकर कार्यकर्ताओं के साथ एक मैत्रिक मुलाकात की और हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर चर्चा भी की। इसी चर्चा में दुष्यंत चौटाला ने मुख्यमंत्री खट्टर द्वारा सेल्फी लेते कार्यकर्ता को धक्के मारने वाली घटना पर चुटकी भरी। चलिए आपको दिखाते हैं आगे दुष्यंत चौटाला ने क्या कहा। आज ये कार्यकर्ता मीटिंग बुलाने के पीछे मकसद क्या है? जिला वाइज जाकर लोकसभा के परिणाम के बाद जिस तरीके से आज कार्यकर्ताओं को दोबारा मैदान में उतारने का समय आ चुका, पार्टी की राष्ट्रीय और प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में तीन निर्णय लिए गए थे, जिनके अंदर पहला रोजगार मेरा अधिकार था, दूसरा वृद्धावस्था पेंशन की जो उम्र घटानी है उसके लिए लोगों के बीच में जाना था, और तीसरा और प्राथमिक तौर पर जो कर्ज माफ़ी की बात थी उसके ऊपर एक ग्राउंड लेवल सर्वे करवाने की बात है। आज वही कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी लगाई है कि हमारे पास 100 दिन का लक्ष्य है और 100 दिन में एक एक कार्यकर्ता मैदान में उतरकर उस पर काम करें और पूरी निष्ठा के साथ संगठन को दोबारा पहले से भी ज़्यादा मजबूत करें। और आज यही तमाम साथियों को विनती करी है कि बूथ लेवल पर जब तक हम जाएंगे नहीं, लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, कोई 75 की बात कर रहा है, कोई 70 की बात कर रहा है, मैं तो इतिहास से जानता हूँ 1984 के अंदर जब चौधरी देवीलाल जी केवल मात्र सोनीपत में अपनी जमानत बचा पाए थे, लोग कहते थे कि चौधरी देवीलाल अब राजनीति से संन्यास लेंगे, उन्हें मेहनत करनी नहीं छोड़ी। और 87 के अंदर उसी कांग्रेस को जिसके केंद्र में 432 सांसद थे 5 विधायकों पर लाने का काम किया, ये तो 303 है, थोड़ा सा कार्यकर्ता मेहनत करेंगे इनको हम 4 पे लाने का काम कर देंगे। आप बेरोजगारी को मुद्दा बनाते हैं, मुख्यमंत्री कहते हैं कि उन्होंने इन 5 सालों के अंदर 67,000 लोगों को नौकरियां दी हैं। मुख्यमंत्री डाटा पब्लिक करें और उसके साथ ये भी बताने का काम करें कितनों को DC रेट पे लगाया है, कितने रिटायर हुए हैं, कितनी पोस्ट और वेकेंट हुई। मुख्यमंत्री बातें बहुत अच्छी अच्छी करते हैं, उनकी संघ की ट्रेनिंग है, चिपटी चुपटी बातें करने का उनको शौक है, मगर ग्राउंड रियलिटी ये है कि आज के दिन हरियाणा प्रदेश में जिस तरीके से ग्रुप डी की नौकरी निकली थी, 17,000 नौकरी के लिए अगर 18,00,000 आवेदन आए तो बेरोजगारी किस चरम पर है, इसका जवाब मुझे नहीं मुख्यमंत्री को देना चाहिए। अर्थ प्रकाश के लिए कुरुक्षेत्र से कलतार सिंह की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।